21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली से 1 रुपया निकलता था 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 18,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट लिए जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को पूरा हक, पाई पाई बैंक खाते में। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। अभी महाराष्ट्र के किसान को अलग से 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पैसा छोटे किसानों के कितने काम आ रहा है। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने गन्ने के लाभकारी मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इससे महाराष्ट्र के करोड़ों गन्ना किसानों और खेत मजदूरों को लाभ होगा। कुछ दिन पहले ही हमारे गांवों में अनाज के गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आरंभ हुई है। ये गोदाम भी हमारे किसानों की सहकारी समितियां, हमारे सहकारी संगठन बनाएंगे, वे ही इनको नियंत्रित करेंगे। इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्व क्या होता है ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले
देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था, 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी जहां 50 लाख से कम परिवारों के पास ही नल से जल था, आज लगभग 1.25 करोड़ नल कनेक्शन है। तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं थी। महाराष्ट्र के विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है।